हिंदुस्तान कर स्वतंत्रता संग्राम कर गौरवपूर्ण इतिहास में छोटा नागपुर कर महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्दा बेहद ही अफसोस कर बात है कि छोटा नागपुर कर कोनो सिलसिलेवार प्रमाणिक इतिहास नहीं लिखे जाए कर कारण इस क्षेत्र कर कई देशभक्त मनक वीर गाथा एखन तक प्रकाश में नहीं आवे पाई रहे। नवागढ़ कर जमींदार बख्तर साय उर्फ वेदनाथ सहाय और पन्नारी परगना कर जमींदार मुंडल सिंह भी माँ भारती कर दुई ऐसन ही गुमनाम सपूत है कहें जेमन विदेशी हुकूमत और देसी गद्दार मन से बहादुरी से संघर्ष करते हुए अपन सब कुछ स्वतंत्रता कर देवी के नौछावर कर दिलाए। गुमला से 16 किलोमीटर दूर जसपुर ढहर में स्थित है नवागढ़ पतरा टोली जे रायडी कर प्रखंड मुख्यालय भी है। हुआं से करीब 4 किलोमीटर दूर वासुदेव कोना नामक ठाव ही तत्कालीन नवागढ़ शासन कर केंद्र रहे। हुआं कर जमींदार बख्तर साय उर्फ वेदनाथ सहाय एक अत्यंत स्वाभिमानी न्यायप्रिय और धार्मिक आस्था रखे वाला एक योग शासक रहे जे ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा ली के उमन के पराजय कर स्वाद चखा लें। पराजय कर बाद अंग्रेज मन अपन कूटनीति चाल कर तहत छोटा नागपुर कर महाराजा इंद्रनाथ सहाय से संधि कर ले लें। इकर बाद अंग्रेज गरीब मन कर पेट में लाइट मारते हुए आदमी मन से 12,000 रुपया कर वसूली करके लाग लें। अंग्रेज मनक जुल्म और सितम से जमींदार और रैयत विचलित हो उठ लें। संधि कर बाद महाराजा इंद्रनाथ सहाय अपन मंत्री हीराराम के टैक्स वसूले के लाइन नवागढ़ भेज लें। अंग्रेज मनक जुलुम से भड़कल बख्तर साय हीराराम कर मूड़ी के कटवाई के थारी में सजवाई के महाराजा इंद्रनाथ के भेज दिलें। महाराजा इकर से खिसाई के इनकर जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के दिलें। 11 फरवरी सन 1812 अमगढ़ कर मजिस्ट्रेट लेफ्टिनेंट डोनेल कर नेतृत्व में हजारीबाग कर सैन्य टुकड़ी के नवागढ़ कर जमींदार बख्तर साय के घेरे के लिए भेज लें। यह बीच नवागढ़ बटालियन कर कमांडेंट आर मार्ट छोटा नागपुर कर 12वीं क्षेत्र जसपुर और सरगुजा कर राजा के धरे के लिए एक पत्र लिख लें। साथ ही पूरा क्षेत्र कर नाकाबंदी करे के लिए मदद मांग लें काले कि जसपुर राजा कर संग आर मार्ट कर अच्छा संबंध रहे। इकर फायदा उठाते हुए लेफ्टिनेंट डोनेल हजारों सैनिक मन कर साथ मिलके नवागढ़ के घेर ले लें। अंग्रेज मनक मनसूबा कर जानकारी पन्नारी कर जमींदार मुंडल सिंह के हो गलक। उ बख्तर साय कर सहयोग देख लागिन मुंडल सिंह अपन सैनिक मन कर साथ नवागढ़ पहुंच गेलें और युद्ध कर उद्घोष कर लें। सन 1812 कर आसपास करबेरा में नवागढ़ घना जंगल रहे, ऊंचा ऊंचा पहाड़ पर्वत रहे। बख्तर और मुंडल क्षेत्र कर अस्तु स्थिति से बेस्तर अवगत रहे तो हुए अंग्रेज मन के मुंडल और बख्तर साय तक पहुंचे के लिए ढेर परेशानी होलक। मुद्दा अंग्रेज मन एक विशेष रणनीति कर साथ नवागढ़ के चारों ओर से घेर ले लें। लेफ्टिनेंट डोनेल अपन सिपाही मन के पंक्तिबद्ध रूप से आगे बढ़े कर आदेश दिलाएं। वह बेरा भोर सन्नाटा में ताबड़तोड़ गोली कर आवाज से पूरा इलाका गूंज उठलक। डोनेल अपन कुछ सिपाही मन कर साथ बड़ तेजी से कुछ चट्टान पर चढ़ गए लेकिन बख्तर साय और मुंडल सिंह उनकर सैनिक मन उकर से भी उच्च चट्टान में उपरे रहे और हुआ से गोलीबारी करत रहे। बख्तर साय और मुंडल सिंह कर गोलीबारी से एक अंग्रेज अफसर कर मौत हो गलक और इकरे से अंग्रेज मनक मनोबल और सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गलक। डोनेल अपन सैनिक मन से पीछे घुर गलक और मोर्चा छोड़ भाग गलक। बख्तर साय और मुंडल सिंह कर जीत कर समाचार मिलते ही नवागढ़ पन्नारी और गुमला के आसपास जितना भी गांव रहे गोटा इलाका खुशी से झूम उठलक। 28 मार्च सन 1812 के कैप्टन ई रफरीज तथा लेफ्टिनेंट डोनेल कर नेतृत्व में नवागढ़ स्थित बख्तर साय कर मजबूत किला में जबरदस्त धावा बोल दिलें। दुयो ओर से भीषण और जबरदस्त गोलीबारी में हजारों सिपाही मर गलें। युद्ध 3 दिन तक चललक। बख्तर
बहादुर साय और मुंडल सिंह एक गुफा में प्रवेश कर लाए। अंग्रेज मन के जब इकर जानकारी होलक तो अंग्रेज मन गुफा तक जाय वाला नदी कर पानी कर धारा के बंद कर दिलाए, ताकि बख्तर साय और मुंडल सिंह अपन सैनिक मन कर साथ नदी कर पानी के पिए नहीं पारवाए। अंग्रेज मना की कूटनीति चाल कर बाद बख्तर साय और मुंडल सिंह जसपुर कर राजा इंद्रजीत सिंह ठिन गेलाए। हुआ से दूसर ठाव निकले कर कारण 23 मार्च 1812 के दियो के धोखा से धैर्य ले लें। April 4, 1812 जगह कोलकाता कर फोर्ट विलियम। ई ऊ घड़ी रहे जब भारत मा अपन दुई लाल के अपन लोर भरल आँख से विदा देत रहे, और हुए हमर वीर योद्धा बख्तर साय और मुंडल सिंह अपन मातृभूमि कर कर्ज चुकाए के ले अपन हर सांस अपन हर धड़कन और अपन आँख में स्वाभिमान कर ज्वाला लेके भारत माता कर जय और जय भवानी कर नारा लगाते हुए खुशी खुशी फांसी कर तख्ता में झूल गए। और इकरे साथ भारतवर्ष कर इतिहास में दुई महान दीप पूज के लग। लेकिन बख्तर साय और मुंडल सिंह जे स्वतंत्रता संग्राम कर चिंगारी प्रज्वलित कर रहे, भले ही इतिहास कर कोनो अंधार में लुक जाए, लेकिन आज भी उ तपिस बलिदान और अपन मातृभूमि ले कुर्बान कर हर कहानी आज भी नवागढ़ वासुदेव कोना कर धरती में रग रग में बसल है। आज भी हुआ कर हर एक जगह हर एक चट्टान मंदिर गुफा नदी नाला वीर बख्तर साय और वीर मुंडल सिंह कर वीर गाथा और मधुर स्मृति के अपन छाती से लगाई के दुयो महावीर मनक डहर जोहत है। इतिहास कर गुमनाम गलियारा में भारत कर दुई सपूत और हमर सदान रोतिया समाज कर दुई वीर योद्धा मनक वीर गाथा गुमनाम सा हो जाए। हमर छोट सा कोशिश है कि ई मनक वीर गाथा के गुमनाम अंधार से निकलाई के रोशनी में लाने के। रोरे मन से नम्र आग्रह है और हाथ जोड़ विनती है कि वीडियो के शेयर करके इनकर वीर गाथा के जन जन तक पहुंचाओ, ताकि महावीर मनक बलिदान गुमनाम ना हो जाए। जय हिंद, जय भवानी, जय सदान रोतिया समाज।